अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और बधाई दी। पीएम मोदी ने चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की निर्णायक जीत और अच्छे प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की बात हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत के बाद एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई। उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि भारत एक शानदार देश है और पीएम मोदी एक शानदार इंसान है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वे उन्हें और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से एक हैं जिनसे उन्होंने अपनी जीत के बाद बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी जीत के बाद भाषण में कहा कि वो सबसे पहले युद्धों को रोकने का काम करेंगे। भारत भी यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत का आह्वान करने में पश्चिमी देशों और रूस दोनों पक्षों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। उन्होंने जीत के लिए तय 270 इलेक्टोरल वोट से काफ़ी अधिक वोट हासिल कर लिए। उन्हें 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।